हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक हो। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हो कि अगर आप लोगों का फेसबुक अकाउंट डिसेबल होगा तो आप लोग अपना डिसेबल अकाउंट किस तरह रिकवर करना है, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोगों का फेसबुक अकाउंट डिसेबल होगा और अभी लोगों के पास कोई भी रास्ता नहीं है कि वो अपना अकाउंट किस तरह रिकवर करे। और डिसेबल फेसबुक अकाउंट किस तरह रिकवर होगा, इस टॉपिक पर मैंने पहले से भी वीडियो अपने चैनल में अपलोड कर दिया। चैनल विजिट करो और वहाँ से आप वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो डिसेबल फेसबुक अकाउंट के लिए मैं आप लोगों को एक न्यू ईमेल रिव्यू करके दिखाऊंगा। तो ये कौन सा न्यू ईमेल है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हो। लेकिन वीडियो बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हो कि अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोहल्ले सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करे और साथ ही बेल आइकन और फिर ऑल पर क्लिक करे, ताकि हमारे हर आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट अपने टॉपिक की तरफ। इसके लिए सबसे पहले मैं फेसबुक ओपन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट लॉग इन कर दिया और ऊपर आपको नजर आ रहे यूर अकाउंट हैज बीन डिसेबल। और ये किस वजह से डिसेबल होगा, यहाँ पर फेसबुक टीम होत कह रहा है कि आप कम्युनिटी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया तो इसकी वजह से हम आपका अकाउंट डिसेबल कर दिया। और नीचे गो टू कम्युनिटी स्टैंडर्ड भी आ रहे। इसके लिए सबसे पहला आप लोग इस पेज से एक स्क्रीनशॉट ले लो। आप देख रहे यहाँ से मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया और उसके बाद अब यहाँ से मैं होम स्क्रीन पर आते हो और उसके बाद फिर आप लोग अपने मोबाइल में जीमेल एप्लीकेशन ओपन करो। तो चलो मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद फिर वही जीमेल सेलेक्ट करो जो आपके डिसेबल फेसबुक अकाउंट में था। जीमेल सेलेक्ट करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आते हैं कम पोस्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करना है। तो चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन आते हैं टू, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक न्यू ईमेल प्रोवाइड कर दिया तो वहाँ से आप कॉपी करो और फिर यहाँ पर आप पेस्ट करो। तो चलो मैं नोटपैड ओपन करता हूँ और वहाँ से मैं ईमेल कॉपी करता हूँ। आप देख रहे कि मैंने नोटपैड ओपन कर दिया और यहाँ पर यह ईमेल एड्रेस है। तो चलो जल्दी मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद दोबारा मैं वही जीमेल वाला पेज ओपन करता हूँ और फिर टू की जगह पेस्ट करता हूँ। आप देख रहे कि ये ईमेल में यहाँ पर पेस्ट कर दिया और उसके बाद नीचे का और ऑप्शन आते हैं सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आप लिख देना है माय पर्सनल फेसबुक अकाउंट वाज डिसेबल। और ये भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तो वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। आप देख रहे कि यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया माय पर्सनल फेसबुक अकाउंट वाज डिसेबल और उसके बाद नीचे का और ऑप्शन आते हैं कंपोज ईमेल, तो यहाँ पर आप लोग एक अपील एंटर करो और ये भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तो वहाँ से आप कॉपी करो। तो चलो मैं नोटपैड ओपन करता हूँ और फिर यहाँ पर कंपोज ईमेल के सामने एक अपील है। तो चलो ये मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद फिर ये मैं कॉपी करता हूँ। आप देख रहे कि ये मैंने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद दोबारा मैं जीमेल वाला पेज ओपन करता हूँ और फिर यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। आप देख रहे कि ये मैंने पेस्ट कर दिया। अपील पेस्ट करने के बाद ऊपर जो अटैच का आइकन है इसके ऊपर आप क्लिक करना है। तो चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और फिर अटैच फाइल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पर मैं वो स्क्रीनशॉट अटैच करता हूँ जो पहले से मैंने लिया था। आप देख रहे कि वो स्क्रीनशॉट ये है। तो चलो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। आपको नजर आ रहा है कि नीचे स्क्रीनशॉट अटैच होगा, उसके बाद दोबारा अटैच आइकन के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और फिर अटैच फाइल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ से जल्दी मैं अपना प्रूफ अटैच करता हूँ। नीचे यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दिया और प्रूफ भी अटैच कर दिया और उसके बाद ऊपर जो सेंड का आइकन आते हैं इसके ऊपर आप क्लिक करना है। तो चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और मेरे मोबाइल पर जो पेज है ऑटोमेटिकली होम स्क्रीन पर आते हो। तो चलो दोबारा मैं जीमेल एप्लीकेशन ओपन करता हूँ और फिर यहाँ से मैं सेंड मैसेज चेकआउट करता हूँ कि मेरे जो अपील है सेंड होगा या नहीं। जी हाँ, मेरा अपील बिल्कुल सेंड होगा। तो इस तरीके से आप लोग अपना अपील सेंड करो और फिर आप वेट करो जब तक फेसबुक टीम की तरफ से आपको रिप्लाई नहीं आते। अगर फिर भी आपका अकाउंट रिकवर नहीं होगा तो मेरे फेसबुक टीम के साथ शेयर जारी है। जो भी रास्ता मुझे दिखा दिया तो मैं आपके साथ शेयर करो। लेकिन आप मेरे पास सिर्फ इस चैनल में जुड़े रहे, इंशाल्लाह आपका जो मसला है वो सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतना ही। अगर आपको की वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।